रुपौली में महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी की बीमा भारती जी की जीत सुनिश्चित है। कल रात में तेजस्वी यादव जी वहाँ पहुँच चुके हैं, आज अंतिम दिन है, आज तेजस्वी यादव जी वहाँ कैंप करेंगे और रुपौली में जमानत भी एनडीए का नहीं बचेगा। रुपौली उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है, ऐसे में तेजस्वी यादव भी आज प्रचार करने गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम जो एनडीए के बड़े नेता थे वो कल प्रचार करने के लिए गए थे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। आज रुपौली उपचुनाव के अंतिम दिन है प्रचार का, क्या लगता है रुपौली में क्या होने वाला है? लगना क्या है, वहाँ तो मुकाबला बिल्कुल साफ है। रुपौली की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बदला लेना है और ये डबल इंजन की सरकार, एनडीए की सरकार वहाँ बुरी तरह से पराजित होने वाली है, हार होने वाली है। एक इंजन इस डबल इंजन सरकार में, एक इंजन अपराध, एक इंजन भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देख रहे हैं किस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, बिहार की जनता पूरी तरह से गुस्से में है। और रुपौली में महागठबंधन के उम्मीदवार आरजेडी की बीमा भारती जी की जीत सुनिश्चित है। कल रात में तेजस्वी यादव जी वहाँ पहुँच चुके हैं, आज अंतिम दिन है, आज तेजस्वी यादव जी वहाँ कैंप करेंगे और रुपौली में जमानत भी एनडीए का नहीं बचेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा में तो आप लोग महज 5,000 वोट नहीं ला पाए थे। अरे 5,000 वोट क्या ला, हर दिन एक नया सवेरा होता है और जो बीत गया उस बात पर नहीं, जो अब लोगों ने गलती कर दी इसके बाद बदला लिया जाएगा। आप देखिए कितने हजार से लीड होगा और जीत होगी। हर दिन अगर कोई बल्लेबाज एक दिन शून्य पर आउट हो जाता है तो दूसरे दिन शतक बनाता है, इसलिए ये भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए कि उस दिन ये हुआ था तो आज वही होगा। क्या हुआ कि परिवर्तन हो जाएगा? अरे क्या हुआ, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, देख नहीं रहे, रोज गोली मारा जा रहा है, यहाँ लोग बाढ़ से परेशान हैं, रोज पुल गिर रहे हैं। हम सवाल ये है कि पप्पू यादव क्या अभी आप लोग के साथ हैं या लोकसभा चुनाव के तहत? ये तो उन्होंने खुद ही कह दिया है वो एनडीए के साथ हैं, ये तो उन्होंने नहीं कहा है। तो फिर जनता का साथ है, जनता का आशीर्वाद है, यही तेजस्वी यादव जी का, राष्ट्रीय जनता दल का, महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बल है। नीतीश कुमार भी वहाँ प्रचार करने ले गए थे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी गए, सब लोग गए, लेकिन वहाँ पर जनता ने स्पष्ट रूप से अपना संदेश दे दिया है और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो आप देख लीजिएगा। तो आपने सुना आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रुपौली उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी है बीमा भारती, उनका जीत सुनिश्चित है। और भी क्या कुछ कहना था मृत्युंजय तिवारी का आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे निष्पोर्ण सिंह के साथ।